सूर्य के हुए शुक्र 31 जुलाई से 25 अगस्त तक 6 राशि वालों के पास आ सकता है अंधा पैसा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुक्र देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 31 जुलाई की रात को और 1 अगस्त से ये आपको फल मिलेंगे जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, यह राशि फल अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो लग्न पर यह गोचर लगा करके देखें, सटीकता ज्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग ही कृपा करके चंद्र राशि के अनुसार देखें, और जिनको लग्न और चंद्र राशि कुछ भी नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार फलादेश को समझिए और उपाय करने का थोड़ा कष्ट जरूर किया करिए ताकि आपको बढ़िया और शुभ फल मिल सके। अब शुरू करते हैं राशि फल और जानते हैं वो कौन सी महाभाग्यशाली राशियां रहेंगी जिनके ऊपर शुक्र देव की कृपा बरसने वाली है। ध्यान रखिएगा, 25 अगस्त तक का यह फल आपको मिलेंगे और शुक्रदेव 1 तारीख से ये शुभ फल देना शुरू करेंगे। शुक्रदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करके सूर्य की राशि में जाएंगे, बुध देवता के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं, एक से अधिक ग्रह जब भी किसी भाव में बैठ जाते हैं तो वो भाव बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और ठीक सामने सप्तम दृष्टि जिस भाव पे डालते हैं वह भाव भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, उस भाव से भी संबंधित शुभ फल मिलने लगते हैं। मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपकी मेष लग्न या मेष राशि है तो शुक्र देवता आपके धन के मालिक होकर के बैठने जा रहे हैं बुध के साथ पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठेंगे तो ये क्या शुभ फल देंगे, सबसे पहली चीज अगर विद्यार्थी हो तो मामला गड़बड़ रहने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में मेष राशि में शुक्रदेव सप्तमेश भी होता है, तो यदि विद्यार्थी हो तो बहुत ज्यादा प्रेम प्रसंग के चक्कर में मत पड़ना, अन्यथा पढ़ाई चौपट होगी। लेकिन अगर आप विद्यार्थी नहीं हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इस समय जबरदस्त तरीके से आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, चाहे नौकरी हो या व्यवसाय हो। 31 जुलाई की रात से लगा करके 25 अगस्त तक का धन की मात्रा आपकी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र देवता और बुध देवता दोनों ही ग्रह मिल करके आपके 11वें भाव पे और शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि 11वां भाव बहुत ज्यादा आपका मजबूत होने वाला है और उधर ऑलरेडी आपकी कुंडली में धन भाव काफी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। इसका मतलब ये रहा, प्रेमी जोड़ों को जबरदस्त अपने प्रेम में सफलता मिलेगी, प्यार जबरदस्त तरीके से आपका सफल होगा। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए सुंदर योग खुलेंगे। इसके साथ साथ आर्थिक लाभ होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा, पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई काम करते हो तो वहां पर भी जबरदस्त तरीके से लाभ मेष वालों को मिलने वाला है। तो मेष राशि महाभाग्यशाली राशि है जिसके ऊपर ग्रह गोचर मेहरबान है, आपके लिए 1 अगस्त से लगा करके 25 अगस्त तक का सभी काम बनेंगे और पैसा झमाझम आता रहेगा। दूसरी राशि की यदि बात करें उनको क्या शुभ फल मिलेंगे, तो दूसरी राशि नजर आ रही है वृषभ राशि। वृषभ राशि में स्वयं लग्नेश होता है शुक्र देवता, और शुक्र देवता जब लग्नेश है तो लग्नेश की एक आदत होती है, वो जिस भाव में भी बैठ जाए उस भाव की वृद्धि करने लगता है। आपकी कुंडली में लग्नेश शुक्र देवता 4थे भाव में 31 तारीख की रात को बैठ जाएगा और 1 अगस्त से मान के चलो आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य रहेगा लगभग 25 दिन तक। जबरदस्त तरीके से कर्म क्षेत्र आपका बढ़ेगा, यानी कि प्रमोशन वगैरह के प्रबल योग ये बना देगा लग्नेश और बुध का कॉम्बिनेशन। तो शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन लोगों के
पास नौकरी नहीं है, नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, नौकरी कर रहे हो तो उसमें उन्नति के योग बनेंगे, बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, चौथा भाव मजबूत हो रहा है। इसका मतलब ये रहा कि माता श्री का जबरदस्त तरीके से आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसके अलावा मकान, वाहन, भूमि, भवन, फ्लैट, प्लॉट वगैरह खरीदारी के योग बनेंगे। जो लोग निवेश करना चाहते हैं यह समय उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ चौथा भाव मजबूत होने से मन में शांति रहेगी, जो डिसीजन लोगे बढ़िया लोगे और धैर्य पूर्वक लोगे, जिसका भविष्य में भी बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस समय समाज में आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका तृतीय भाव भी बड़ा मजबूत है, पराक्रम आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, फुल एनर्जी से सभी काम करोगे। यानी कि चौथा भाव और दसवां भाव बढ़ना ये सूचित करता है कि आपके पास धन भी आएगा, प्रॉपर्टी वगैरह की यदि आप कामना रखते हो तो वह भी पूरी होगी, खेती बाड़ी का काम करते हो या किसी भी प्रकार का आपका व्यापार है, जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। तो भैया यहाँ पर अगर दूसरी राशि की चर्चा करें जो कि भाग्यशाली नजर आ रही है, तो वह राशि नजर आ रही है वृषभ राशि। अब बात करेंगे अगली महाभाग्यशाली राशि कौन सी है, तो अगली महाभाग्यशाली राशि नजर आ रही है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों पर भी ग्रह गोचर इस समय मेहरबान चल रहा है और 25 अगस्त तक का जबरदस्त तरीके से मेहरबान रहने वाला है। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं इस समय बुध देवता आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन पंचमेश शुक्र बुध के साथ बैठ जाएंगे 31 जुलाई की रात को और 1 अगस्त से 25 अगस्त तक का आपके ऊपर जबरदस्त कृपा बरसाएंगे। कृपा किस तरीके से बरसाएंगे, बुध देवता शुक्र देवता दोनों ग्रहों की दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव पे जा रही है, जहां पर शनि देवता पहले से विराजमान है। इसका मतलब ये रहा, एक तो एक शनि ऑलरेडी आपका भाग्य बढ़ा रहे हैं और जब दो शुभ ग्रहों की और मित्र ग्रहों की दृष्टि का शुभ प्रभाव पा जाएंगे तो जबरदस्त तरीके से आपको लाभ देना ये शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये रहा कि भाग्य भाव आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, दैवी कृपा के फल स्वरूप सभी काम इजिली आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा उच्च शिक्षा में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा विपरीत योग जो शुक्र देवता बनाएंगे, इसके फल स्वरूप जो लोग यात्रा करना चाहते हैं यात्राओं से लाभ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, मित्रों का, अपनों का, भाई बंधुओं का, सभी का सहयोग मिलेगा, सभी आपको आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होंगे। इस अवधि में दैवी कृपा के प्रभाव से सभी इच्छाएं इस वक्त आपकी पूरी होने वाली हैं। तो भैया आप भी शुक्र के इस राशि परिवर्तन का जबरदस्त तरीके से लाभ ले सकते हो, आपको भी बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद चौथी राशि की बात करें तो चौथी राशि नजर आ रही है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के ऊपर भी ग्रह गोचर मेहरबान है, यानी कि बुध का शुक्र का राशि परिवर्तन करना सिंह राशि वालों के लिए भी बड़ा सुंदर योग बना करके लेकर के आ रहा है। आपके कुंडली में लक्ष्मी योग बन रहा है, इच्छा पूर्ति का मालिक, आमदनी का मालिक, टूरिंग ट्रेवलिंग का मालिक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मालिक, घूमने फिरने का मालिक शुक्र देवता होता है। ऐसा शुक्र देवता जो कि 11वें का मालिक है बैठने जा रहा है धन भाव पर, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में जलीय पदार्थों का भी मालिक शुक्र होता है, मन का मालिक भी शुक्र होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन घोड़ा बंगला आदि का मालिक शुक्र होता है। अपने स्थान से 11वें बुध के साथ धन भाव पर बैठेगा। इसका मतलब ये रहा, आपको वैसे तो बहुत लाभ मिलेंगे, बहुत लाभ ये मिलेंगे जो लोग वाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करते हैं, वाड़ी में जबरदस्त तरीके से लाभ मिलेगा, वाणी में इतनी मिठास रहेगी कि अपने वाणी के दम पे सभी कर्क वाले कुछ भी कर गुजरेंगे। पैतृक संपत्ति से
जबरदस्त तरीके से आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये रहा, धन भाव बढ़ रहा है तो धन धुआंधार आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 11वां भाव आमदनी का बढ़ रहा है और उधर धन भाव भी बढ़ रहा है, तो जबरदस्त तरीके से पैसा आएगा। इस अवधि में कर्क राशि वाले जो ढैया से ग्रसित हैं, उनको ढैया का ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आप भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, इस समय मकान वाहन आदि की प्राप्ति होना और जबरदस्त तरीके से पैसा आना, ये योग शुक्र के राशि परिवर्तन करते ही 25 दिन के लिए बन जाएंगे, 1 अगस्त से लगा करके 25 अगस्त तक। इसका आप लाभ उठाइए। कुछ अगर साइड में बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी वगैरह पे निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करिए, समय की चाल बहुत अच्छी है। शुक्र बुध के साथ साथ गुरु भी आप पर मेहरबान हैं। इसके बाद अगली राशि की बात करेंगे, जो कि राशि नजर आ रही है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के कुंडली में शुक्र देवता राशि परिवर्तन करके लग्न पर बैठने जा रहे हैं। लग्न पर बैठेंगे आपकी कुंडली में भैया शुक्र तृतीयेश होते हैं और साथ ही साथ कर्मेश होते हैं। कर्म भाव का मालिक, केंद्र का मालिक केंद्र में जब बैठेगा तो जाहिर सी बात है नौकरी करने वालों के लिए विशेष सुख समृद्धि उत्पन्न करेगा, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कराएगा, प्रमोशन वगैरह के योग बनाएगा, बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग दिलाएगा, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को इस अवधि में जबरदस्त तरीके से रोमांटिक भी बनाएगा। तो इस समय ज्यादा रोमांस के चक्कर में मत पड़िएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि लग्न पर बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है अफेयर की तरफ ढकेल दे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि शनि सप्तम में बैठा है और शनि पर दोनों ग्रह शुक्र और बुध दृष्टि डालेंगे, इसका मतलब ये रहा कि इस समय काम की मात्रा बढ़ जाएगी, बुद्धि में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि जॉब करने वालों के लिए जबरदस्त यह गोचर है, जॉब में निश्चित तरीके से उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी, बॉस उच्च अधिकारियों का कहीं ना कहीं आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। तो आपके लिए अगर शुक्र सबसे ज्यादा शुभ फल देंगे तो दो विषयों में, एक तो एक प्रेम प्रसंग के विषय में और सबसे ज्यादा शुभ फल मिलेगा काम कारोबार के विषय में। तो आप भी कहीं ना कहीं महाभाग्यशाली राशि में से एक हैं, इसका आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी सिंह लग्न या सिंह राशि है तो भैया आपको भी फायदा मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगली महाभाग्यशाली राशि दिखाई पड़ रही है 25 दिन के लिए, यानी कि 1 अगस्त से लगा करके 25 अगस्त तक। हालांकि शुक्र तो राशि परिवर्तन 31 तारीख की ही रात को कर जाएंगे, लेकिन 1 तारीख से 25 अगस्त तक का जो समय रहेगा वह तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए जबरदस्त रहेगा, इसका आप फायदा उठा सकते हो। शुक्र देवता जो कि आपके लग्नेश हैं, भाग्येश के साथ युति बना करके 11वें भाव में बैठने जा रहे हैं। 11वें भाव में बैठेंगे, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा, शनि जो आपकी आमदनी को रोक रहे थे, शुक्र उस आमदनी को बढ़ाने का जबरदस्त तरीके से शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन करना शुरू कर देगा। 15 तारीख से सूर्य भी बैठ जाएंगे शुक्र के साथ अपनी ही राशि में, इसका मतलब ये रहा आने वाला लगभग, ये राशिफल तो मैं 25 अगस्त तक का ही बता रहा हूं, लेकिन मान के चलो लगभग 45 दिन तक का पैसे की कतई कमी तुला लग्न और तुला राशि वालों को नहीं होने वाली, चाहे नौकरी व्यापार कुछ भी करते हो, जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाँ, विद्यार्थियों के लिए मामला थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, वो ये है कि विद्यार्थियों को इस अवधि में हो सकता है बुद्धि में भटकाव के कारण सफलता कम मिले। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, लग्न बढ़ेगा, लग्नेश बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है मान सम्मान भी अच्छा खासा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जॉब वगैरह कर रहे हो तो उसमें उन्नति के योग बनेंगे, बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, और वहीं पर जो तुला वाले संतान की कामना करते हैं
उनके लिए संतान प्राप्ति के योग जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप भी भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, इसका आप फायदा उठा सकते हो अगर आपकी तुला लग्न या तुला राशि है तो। इसके बाद यदि अगली राशि की बात करें तो वह राशि नजर आ रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में वैसे तो शुक्रदेव सप्तमेश होते हैं और द्वादशेश होते हैं, लेकिन नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह हैं और बुध भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। दोनों ही ग्रह आपके दशम भाव में बैठेंगे, यानी कि आमदनी का मालिक बुध देवता और साथ ही साथ सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र दोनों ग्रह मिल करके आपके दशम भाव में बैठेंगे। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होने वाली है, उल्टा आपको बेनिफिशियल रिजल्ट जरूर मिलता रहेगा। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन शनि के दुष्प्रभाव को कम करेगा, काम कारोबार को बढ़ाएगा, उन्नति के अवसर दिलाएगा, कहीं ना कहीं बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग भी दिलाएगा। और उधर 15 तारीख के बाद सूर्य भी यहाँ पर बैठ जाएंगे, स्वराशि के होकर के गोचर करने लगेंगे, तब आपके प्रबल रूप से प्रमोशन के योग भी बन जाएंगे और आमदनी जबरदस्त तरीके से आपकी बढ़ जाएगी। आपके लिए भी यह गोचर ठीक है, दुष्प्रभाव देने वाला नहीं है, बढ़िया है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि शुक्र के पास बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट आपके कुंडली में नहीं है। इसके बाद अगली राशि की बात करें, वह राशि धनु है। धनु राशि में वैसे तो शुक्र प्रबल रूप से अकारक ग्रह होते हैं, लेकिन चूंकि ये आमदनी के मालिक हैं और आमदनी के स्थान से 11वें बैठे हैं, 1 तारीख से 11वें हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये रहा इस समय अगर धन की बात करें तो धन के विषय में आप महाभाग्यशाली रहोगे। आमदनी आपकी कई गुना ज्यादा शुक्र देवता की कृपा से और बुध देवता की कृपा से बढ़ जाएगी। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन एक तरफ तो आपका काम कारोबार बढ़ाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, बॉस उच्च अधिकारी का सहयोग के साथ साथ अपने छोटे भाई बंधुओं का, मित्रों का भी सहयोग दिलवाएगा, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से घूमने फिरने का काम यदि कोई करते हो तो उनसे लाभ दिलवाएगा। यानी कि लाभ और धन के मामले में शुक्र का यहाँ पर गोचर करना बहुत बढ़िया रहेगा। और उधर 15 अगस्त से जैसे ही सूर्य भी अपने भाग्य स्थान पर आएंगे तो दैवी कृपा और जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि आप कह सकते हो 25 अगस्त तक धनु राशि वाले भी महाभाग्यशाली रहने वाले हैं। तो अगर आपकी धनु लग्न या धनु राशि है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब अंतिम राशि की बात कर लें तो अंतिम राशि जो नजर आ रही है जिस पर शुक्र के राशि परिवर्तन का जबरदस्त तरीके से शुभ फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, वह राशि नजर आ रही है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शुक्र देवता सुख समृद्धि का मालिक होता है, चौथे का मालिक है और चौथे से चौथे बैठने जा रहा है। दूसरी चीज, भाग्य का मालिक है शुक्र देवता और राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान से 11वें बैठने जा रहा है। मैं अक्सर अपने वीडियो में एक चीज बताता हूँ, ग्रह कोई भी हो, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, गुरु हो, जब कोई ग्रह अपने जिस स्थान से 11वें बैठता है उस स्थान की जबरदस्त तरीके से वृद्धि करता है। शुक्र देवता भाग्य का मालिक होकर के अपने स्थान से 11वें बैठेगा तो जबरदस्त तरीके से आपको शुभ फल ये देगा। पहली चीज, भाग्य आपका कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा, जो काम आपके रुके फंसे थे वो काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। उधर वक्री चल रहे हैं शनि, तो लग्न को बढ़ा देगा ये। शनि लग्न को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र और बुध का यह कॉम्बिनेशन आपके लग्न को प्रचंड रूप से बढ़ाएगा, जिसके फलस्वरूप बढ़िया मान सम्मान आपको समाज में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, अपनों का साथ मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो भी आप डिसीजन लोगे, चाहे वो कार्य क्षेत्र के विषय में हो, चाहे फैमिली मैटर के विषय में हो, या किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लोगे, वह डिसीजन आपके सही साबित होंगे। इस समय
वर्चस्व समाज में आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में बढ़िया तरीके से सुख समृद्धि आते हुए दिखाई पड़ेगी। पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव इस समय बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले अगर भूमि भवन मकान आदि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वह कामना भी शुक्र देवता के कृपा से पूरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है। इस समय मकान मिलना, भूमि भवन मिलना, जमीन जायदाद से जुड़े लोगों को फायदा मिलना, प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा मिलना, कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों को फायदा मिलना, खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों को फायदा करना मिलना, यानी कि फायदे के योग जो है और भाग्य प्रबल होने के जो योग हैं शुक्र के राशि परिवर्तन करते ही प्रबल रूप से बन जाएंगे। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। अगर कुछ नया करना चाहते हो तो आप करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी स्थिति 25 अगस्त तक का बनने जा रही है, इसका आप लाभ ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं, नमस्कार।